आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। भागलपुर से एक बड़ी खबर। भागलपुर में 5 लोगों की संदिग्ध मौत से जहां सनसनी फैल गई है, वहीं प्रशासन में हड़कंप मच गया है, जबकि एक व्यक्ति की आंखों की रोशनी चली गई है। मौत की चर्चा नशीली पदार्थ या जहरीली शराब पीने से मौत की आशंका की बात सामने आ रही है। जिन लोगों की संदिग्ध मौत हुई है उसमें से सबौर थाना क्षेत्र के कुंदन झा, लोदीपुर थाना क्षेत्र के किशोर यादव, नवीन यादव, बबरगंज थाना क्षेत्र के रितेश कुमार और सजौर थाना क्षेत्र के निचालक अविनाश कुमार शामिल हैं, जबकि एक व्यक्ति प्रीतम कुमार की आंख की रोशनी चली गई है। वहीं एक व्यक्ति छोटू कुमार का इलाज चल रहा है, जबकि एक व्यक्ति का दाह संस्कार भी कर दिया गया है, लेकिन अभी तक किसी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। पुलिस लिपापोती में जुट गई है। बताया जा रहा है कि मामला संज्ञान में आने के बाद जहां प्रशासन में हड़कंप मच गया है, वहीं जोरों से फैल रही चर्चा के बाद आनन-फानन में डीएम सुब्रत कुमार सेन ने एडीएम और एसडीएम को मायागंज अस्पताल में जांच के लिए भेज दिया है। बिहार से सुरेश निखर की रिपोर्ट। शराब टॉक्सिन नहीं है, टॉक्सिन जो है बायोलॉजिकल टॉक्सिन जो है शराब नहीं है, शराब एक अलग एंटिटी है, विषैला पदार्थ है। विषैला पदार्थ नहीं, शराब तो विषैला तो उसके लिए है कि बहुत ज्यादा पिएगा तब। शराब क्या है? शराब तो पानी है। पोस्टमार्टम की नौबत क्यों आ गई है? कोई भी डेथ में जरा सा भी अगर डाउट होता है तो डाउट को क्लियर करते हैं, हमको छुपाना थोड़ी है मौत। और छोटू जिनके तमाम पदाधिकारी आए हुए हैं, एसडीएम है, एडीएम है, क्या सीन क्या है? नहीं, शराब तो एक फैक्टर है ही है, मान लिया आज के डेट में है शराब बंदी है तो वो भी चिंतित होंगे भाई क्या मामला है, कहीं शराब का तो कुछ मामला नहीं है। तो शराब का तो मामला बिल्कुल ही दूर दूर तक नहीं है जो हम लोगों के हिसाब से है। और अब है कि क्या है, क्या है तो वो पुलिस अपने हिसाब से वो प्रशासन इन्वेस्टिगेट करेगी कि मामला क्या है। जो यहाँ दो केस का मामला है, एक अविनाश कुमार का तो वो सजौर का है और उसकी मृत्यु दूसरे कारण से हुई है, बजाते वो ड्राइवर है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर। क्या कारण रहा सर मृत्यु? उसके मृत्यु का कारण उसका कल सवेरे से थोड़ी तबीयत गड़बड़ थी, फिर भी वो ड्राइविंग करते रहा शाम तक, तो शाम में थोड़ी अधिक ये तबीयत गड़बड़ हो गई तो वो बगल में ही दवाई उवाई लिया वहाँ पर रतनगंज में जाके, उसके बाद उसकी तबीयत खराब हो गई तो मायागंज आया। यहाँ आने के 15-20 मिनट के बाद उसकी मृत्यु हो गई। उसमें तो डॉक्टर जो है सो यही डॉक्टर साहब से भी पूछा गया तो डॉक्टर साहब बताए जो ऐसा कोई लक्षण नहीं था इनका, और लाने के समय में भी और वर्तमान समय में भी उनके परिजन चाह रहे हैं पोस्टमार्टम कराने, तो उसको हम लोग करवा दे रहे हैं। सर, कुल 5 लोगों की मौत हुई है पूरे भागलपुर जिले में सर, आप अभी तो दो ही का देख रहे हैं। अभी कुछ बार सर इसमें कितनी पुष्टि है?